स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं, सामने आप देख रहे हैं श्रीराम स्वीट्स एंड बेकर्स मऊ जिले में। ये जगह जो है ये बलिया मोड़ के नाम से जानी जाती है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा पीछे करके दिखाया जाए। बलिया मोड़ के पास यहाँ पर सामने का लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये रास्ता बलिया की तरफ जा रहा है और यही रास्ता इधर अगर लेफ्ट आप टर्न करेंगे तो इस तरह जाएगा आपका गोरखपुर के लिए रास्ता चला जाएगा। इधर दाहिने आप जाएंगे तो मऊ शहर में, सामने जाएंगे तो बलिया के लिए रास्ता जा रहा है। यानी बलिया मोड़ पर ये पटेल जी की मूर्ति के सामने श्रीराम स्वीट्स एंड बेकर्स के नाम से ये मिठाई की काफ़ी बड़ी दुकान खुली है। आप जानते थे कि मऊ शहर में कुछ चुनिंदा ही दुकानें, बड़ी दुकानें थीं जहाँ पर रेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा था, जो आम आदमी की पहुँच से काफ़ी दूर रखता था उन मिठाइयों को, और हर आदमी मिठाई का टेस्ट लेना चाहता था लेकिन दाम की वजह से नहीं ले पाता था। वहीं बलिया मोड़ पर जो दुकान खुली है श्रीराम स्वीट्स एंड बेकर्स, आज है तारीख 24 फरवरी 2023 और दिन है शुक्रवार, जहां पर आप देख सकते हैं कि सामने श्रीराम स्वीट्स एंड बेकर्स का उद्घाटन हो चुका है। और उद्घाटन के दौरान यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार इनके मेहमानों का, इनके परिचितों का आना जाना लगा हुआ है। दुकान के अंदर हम आपको चलेंगे और दिखाएंगे पूरा सीन यहाँ पर, कि जो लोग लगातार आते जा रहे हैं और सर्विस दी जा रही है। आज उद्घाटन है, आज के दिन काफ़ी भीड़ यहाँ चहल पहल आज देख सकते हैं। और जिस तरीके की ये दुकान बनाया गया है, निस्संदेह आप ये मान सकते हैं कि जो भीड़ आज है ऐसी भीड़ और इससे ज़्यादा भीड़ आने वाले दिनों में रहेगी। ये पहला दिन है और पहले दिन की आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्टॉक पहले दिन ही मिठाई का रखा गया है। यहाँ पर बर्फ़ी है एक सेक्टर में और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप की यहाँ पर है, मैंगो बाइट, बटर स्कॉच बाइट वगैरह वगैरह, इत्मीनान से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आप आएँगे तो छेने की मिठाइयाँ हैं और पेठा वगैरह है, पेठे की मिठाइयाँ हैं, केक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शीरे वाली मिठाइयाँ होती हैं, रसगुल्ला है, माखन भोग, बाकी जिस तरीके की जो चीज़ें हैं ये हम आपको बताएंगे। जो दुकान के यहाँ पे मालिक हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी दुकान में दूसरी दुकानों से किस तरह की भिन्नता है, और जो पुरानी दुकानों के जो पुराने ग्राहक हैं वहाँ के, वो इस दुकान पर क्यों आएंगे। ये आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र चौहान, ओनर श्रीराम स्वीट्स एंड बेकर्स बलिया मोड़ मऊ का। ये हमारा प्रतिष्ठान आपकी सेवा के लिए हमेशा सदा तत्पर रहेगा, और हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं वो अन्य प्रतिष्ठानों से इस प्रकार भिन्न है कि हमारे प्रतिष्ठान में एक प्लेटफॉर्म पे सबको सारी चीज़ें मिलेंगी। सारी चीज़ों से तात्पर्य? सारी चीज़ों से मतलब कि जो व्यक्ति खाने पीने से रिलेटेड सा, अगर वो स्वीट्स चाहता है, बेकरी चाहता है, केक चाहता है, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, और उसके साथ साथ फास्ट फूड, और कुछ दिन बाद लंच और डिनर, एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिलेंगी। किसी को कहीं नहीं, बैठने की भी सुविधा है और बहुत स्पेशियस। अच्छा, एक बात ये बताइए, फैमिली के लिए अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अच्छा, ये अंदर वाला जो रास्ता ये है, ये अंदर फैमिली के लिए ऊपर काफ़ी बड़ा स्पेस, ये भी एक हाल की तरह है। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी सुविधा पार्किंग की, अच्छी स्पेस है हमारे पास। अच्छा, पार्किंग का स्पेस, हाँ ये तो हर शहर में और जगह दिक्कत इस चीज़ की है। शहर में भीड़ भाड़ की वजह से थोड़ा आउटर में लोग आना पसंद करते हैं, तो पार्किंग की अच्छी स्पेस है, तो जो भी लोग आएंगे उनको बेहतर सुविधाएं मिलेगी, पार्किंग की, खाने की, मिठाइयों की, बिस्किट की, और एक ह्यूज वैरायटी हमारे पास रेंज है हर मिठाइयों की। जैसे बतीसा, सबके यहाँ केवल एक बतीसा मिलती थी, हमारे यहाँ 3-4 तरह की बतीसा है। बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, मतलब पापड़ी की 8 सिर्फ नाम है। अलग है कि टेस्ट भी अलग है? जी, टेस्ट अलग है, सबके फ्लेवर अलग है, बटर स्कॉच। लेकिन एक चीज़ ये है कि देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है जो शहर में बड़ी मिठाई की दुकानें खुल गई हैं, वो एक आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर रहती है, काफ़ी महंगी मिठाइयाँ रहती हैं। हमारे यहाँ रेंज काफ़ी सही है, घी की, देसी घी की मिठाइयाँ हमारे यहाँ मात्र 400 रुपये किलो में सारी है। देसी घी की मिठाइयाँ? हाँ, देसी घी के लड्डू, मिठाइयाँ सब 400 रुपये किलो। अच्छा जी जी जी। और घी की मिठाइयाँ, काजू की मिठाइयाँ 800 से 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो से ऊपर हमारे यहाँ कोई मिठाई नहीं। अच्छा, क्योंकि कितना भी ड्राई फ्रूट्स हो सब 1000 रुपये के नीचे ही मिलते हैं, बाकी गैस तेल के दाम तो सबके लिए बराबर रहते हैं, मजदूरी सबके लिए बराबर रहती है, तो हम चाहते हैं कि कस्टमर को एक मिनिमम रेंज में अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ मिले, ताकि लोगों को सुविधा हो और उनके ऊपर, उनकी जेब पे ज़्यादा भार भी ना पड़े। अपना पता और मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा पता ख्वाजा जहाँपुर बलिया मोड़, श्रीराम स्वीट्स एंड बेकर्स,
और मेरा मोबाइल नंबर है 8765-123-103। हर वीडियो में मैं खास सवाल करते हैं जी जी कि जो मारीना संदेश के जो दर्शक होंगे जी जी वो जो इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या आप अलग से लाभ देंगे? जी मारीना संदेश से मेरा है कि वो उनका मोस्ट वेलकम है, वो आए उनके लिए जो बेहतर सुविधाएं होंगी हम देने की कोशिश करेंगे। छूट भी दी जाएगी जी, हमारी तरफ से बहुत बेहतर छूट है एकदम मरीना संदेश के नाम पे, उनको मिठाइयों में हर चीज में छूटे मिलेंगे। चलिए अच्छा, आज के इस शुभ अवसर पर कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? जी दर्शकों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा आए और हमारे प्रतिष्ठान की शोभा बढ़ाएं और हमारे यहाँ जो सुविधाएं मिल रही है उनका लाभ उठाएं। मतलब एक बार मिठाई को जरूर खा के टेस्ट करें। जी जी, हमारी मिठाई को एक बार जरूर टेस्ट करें, क्योंकि टेस्ट हर जगह हर दुकानों में थर्ड प्रायोरिटी होती है। देखिए आजकल टेस्ट को लोग थर्ड प्रायोरिटी में देखते हैं, किसी भी खाने पीने की चीज़ों में देखते हैं तो लोग तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहले लोग जाते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं, बिल्कुल नज़रों पे, नज़रों से देखते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन नज़रों का होता है। बिल्कुल, उसकी कलर कैसे है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, उसकी लाइट कैसी है, बिल्कुल इस पर निर्भर करता है। तो इस चीज़ों पर भी हम लोगों ने फोकस किया है कि मिठाइयाँ सुंदर रहें, और सेकेंड प्रायोरिटी होती है स्मेल की। जी जी बिल्कुल, अगर उसकी स्मेल अच्छी रहती है तो वो भी लोगों को सेंस है ना, आँखें सेंस है, स्मेल सेंस है, तो वो आकर्षित करती है, स्मेल से भी लोग बिल्कुल खुशबू सुंदर होती है तो लोग उसको खाने के। तीसरा और आखिरी स्वाद, हाँ, और थर्ड प्रायोरिटी टेस्ट होती है। अगर वो जीत के जाती है तो अंतिम लास्ट यूटिलिटी मिलती है, टेस्ट है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी खाने चीज़, और कस्टमर को आकर्षित करने के लिए तीन फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने इन तीन चीज़ों पर काम किया है, फिनिशिंग पे, स्मेल पे और टेस्ट पे, तीनों के कॉम्बिनेशन से बनी हमारी मिठाइयाँ हैं। जो और आपका प्यार भी इसमें शामिल है। जी हाँ, हमारा प्यार इसमें शामिल है और हमारा भाव तो है भाई, शहर में लोग जानते हैं, और आपकी शुभकामनाएं रहे तो हमारा। अच्छा एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो मिठाइयाँ आप आज खिला रहे हैं ओपनिंग में, उस मिठाई का नाम क्या? वो मिठाई हमें बहुत अच्छी लगी है। जी जी, हम मऊ में ये मिठाई अभी कम चलती है जी, तो मंचली मिठाई खिला रहे हैं, जिसमें छेने के साथ खोए का और गुलाचा का फ्लेवर है। अच्छा, ऑरेंज फ्लेवर में उसको आज बनाया, उसके और भी फ्लेवर बनते हैं। अच्छा, उसका फ्लेवर भी बदल सकता है जी, उसके फ्लेवर मंचली नाम है, मंचली ऑरेंज फ्लेवर का। हाँ, ऑरेंज फ्लेवर की मंचली बनाया है, इसके साथ कटलेट है और काजू कतली है, तो ये पुरानी मिठाइयाँ हैं। तो एक नया हमने किया है कि मंचली शहर में लोगों को थोड़ी अलग तरीके की वेरायटी मिलती रहे जी। आज यहाँ उद्घाटन में स्टार्टर में जो नाश्ते में जो हमें एक मिठाई मिली थी, मंचली मिठाई, वास्तव में वो मंचली मिठाई ऐसी मिठाई है कि बिल्कुल हल्के मीठे की और इतनी टेस्टी मिठाई है कि शुगर पेशेंट भी उसको खा सकता है। वो हमारे हिसाब से, चूँकि हम भी शुगर को झेलते हैं, लेकिन आज बड़े मन से हमने खाया है। वास्तव में मंचली का मतलब मन मचल गया मेरा भी, और एक बार हम ज़रूर आपसे कहेंगे कि एक बार आके आप उस मंचली को ज़रूर टेस्ट कीजिए, मन मछली को नाम से फिर आप उसको जानेंगे, इतनी बेहतरीन वो मिठाई है जी। और शुगर के मरीजों के लिए मेरे पास बहुत वेरायटी है, शुगर की मिठाइयाँ हर दुकान पर एक दो मिलती हैं। हमारे यहाँ 10-12 तरीके की शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं, जैसे शुगर फ्री चिक्की 2-3 तरीके की है, शुगर फ्री अंजीर की बर्फी है, शुगर फ्री लड्डू भी है। अच्छा जी, तो शुगर फ्री की अच्छी वेरायटी है, तो शुगर के मरीजों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हमने देने की कोशिश की, हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए और कपल्स के लिए, बाकी बुजुर्ग लोगों के लिए भी, सबके लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर दुकान के मालिक ने सारी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया है, और जो मनचली मिठाई है उस मनचली मिठाई की हम आपको शक्ल भी दिखा दें। आप इस मिठाई को देख सकते हैं कि ऊपर से कुछ और है और अंदर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि छेना है, और बड़ी ज़बरदस्त ये मिठाई है। यहाँ का ये फ्लेवर एक बार आप ज़रूर चखें। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी ये दुकान है, एक बार आप इस दुकान पर आएँ और तब आपको पता चलेगा कि ये दुकान दूसरी दुकानों से भिन्न क्यों है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सभी कुछ है, और गिफ्ट पैक वगैरह भी है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके हिसाब से यहाँ पर आपके स्वाद के अनुसार यहाँ आपको ना मिले। एक बार इस दुकान पर आप ज़रूर आएँ। और ये हैं हमारे मित्र पत्रकार अभिषेक सिंह साहब, जो यहाँ पर देख सकते हैं मंचली का स्वाद ले रहे हैं, जो तिरंगे कलर में भी है। ये मिठाई कैसी लगी आपको? बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट है, मतलब कि क्या कहना, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। इस दुकान के लिए क्या कहेंगे? दुकान तो शानदार है, और मऊ के लिए एक नया प्रतिष्ठान है, और लोकेशन भी शानदार जगह पे है। इधर आसपास जो कोई ऐसे लोकेशन में इस तरह की दुकानें नहीं थी, हमें 20 शहर में जाना पड़ता था, इधर अपने बलिया मोड़ साइड ऐसी दुकानें खुली, तो मऊ वालों के लिए बेहतर सौगात है।